हेलो गाइस, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कोड पे। कोड करे बिना डरे। सबसे पहले ए बिग शाउट आउट टू बिप्लव कुमार जेना, आपका कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच ब्रो फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। तो आज के वीडियो में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं कल का वीडियो जो भी बनाऊं उसमें आप लोगों का एक कमेंट को पिकअप करूंगा और उनको शाउट आउट दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से एक कोर्स के साथ, जो कि एनसीईआरटी के कोलैबोरेशन के साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलने वाली है। तो लीडरशिप का एक कोर्स से उसका पूरा सर्टिफिकेट लेके दिखाने वाला हूं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग ये पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद आप लोग को अप्लाई लिंक दिखेगा, जिस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते फिर आप लोगों का पेज कुछ इस तरह का यहां पे आ जाता है। यहां पे आप लोगों को कोर्स डिटेल दिख रहा है, देख सकते हैं क्लास अदर्स, यहां पे सब्जेक्ट सीपीडी दिख रहा होगा, मीडियम आप लोगों को इंग्लिश में कोर्स ही है। एंड ये कोर्स को आप लोग देख सकते हैं, ऑथर एनसीईआरटी, एंड ये कोर्स आप लोग को गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को मिल रही है। कोर्स का यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह आप लोग सारा यहाँ पे देख सकते हैं, कोर्स का आउटलाइन भी देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है। तो इस कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप लोग को ज्वाइन कोर्स का एक बटन दिखेगा, जिस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे लॉग इन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप लोग का पेज यहाँ पे दूसरे पेज पे फिर यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोग का पहले से अकाउंट नहीं है तो पहले आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आप लोग का रजिस्टर हेयर का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आप लोग का दीक्षा ऐप पे अकाउंट नहीं है तो आप लोग पहले अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद ही लॉग इन कीजिएगा। तो अकाउंट क्रिएट करने टाइम में आप लोग को ये बेसिक डिटेल आप लोग का मांगती है, नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोग का पासवर्ड, फिर आप लोग को कन्फर्म पासवर्ड करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। जैसे अकाउंट बना लेते फिर आप लोग को यहाँ पे आई एग्री का एक बॉक्स दिखेगा अकाउंट बना लेने एंड लॉगिन करने के बाद। उसके बाद आप लोग को कंटिन्यू का एक टैब दिखेगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप लोग से बोर्ड वगैरह यहाँ पे पूछा जाता है आप लोगों से, तो वो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर मीडियम आप लोगों से पूछा जाता है यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मीडियम आप लोगों का है। क्लास आप लोग को दिख रहा होगा तो अदर आप लोग कर सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे जो क्लासेस है यहाँ पे अगर नहीं है ऑप्शन तो सब्जेक्ट में भी आप लोग यहाँ पे कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सबमिट का बटन पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। एंड फिर आप लोग को स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करके आप लोग को कंटिन्यू का बटन यहाँ पे दिखेगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोग से पूछा जाता है तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद कोर्स इनरोल करने टाइम में आप लोग को यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप लोग को शेयर का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके आप लोग कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग का एक बटन दिखेगा, जिसपे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू का एक बटन दिखेगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते दोस्तों फिर आप लोगों का यहाँ पे पेज कुछ इस तरह आ जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग का अभी 0% कंप्लीट अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो एक एक करके आप लोग को सारा यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है उस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे वीडियो आ जाता है आप लोगों का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का वीडियो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट आप लोगों से यहाँ पे वेट करना पड़ता है, लोडिंग योर कंटेंट का आप लोग का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लोड होगा आप लोगों का कंटेंट, जस्ट लोड हो जाने दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी बताऊंगा आप लोगों को किस तरह करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप लोग को सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है तो आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे तुरंत आप लोग कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, कोई कोई आप लोग का वीडियो में रहेगा और कोई कोई आप लोग का पीपीटी टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे कंप्लीटेड आप लोग का दिखते जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव जस्ट कंप्लीटेड, कुछ इस तरह का आप लोग का आते जाएगा बार बार। जैसे ही आप लोग कंप्लीट करते जाएंगे हर एक पार्ट को, हर एक पार्ट में आप लोग का कुछ इस तरह का यहाँ पे आते जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 पेजेस है, इसको जस्ट आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे करते जाना है। जैसे 5th कंप्लीट हो जाता है फिर आप लोग को यहाँ पे आता है फीडबैक देने के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे एडिशनल रीडिंग है उस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे उस पर क्लिक करता हूँ फिर से हम लोग को यहाँ पे ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे फिर आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं, कंटेंट को पढ़ सकते हैं, अच्छा खासा आप लोग को नॉलेज भी यहाँ पे दी जाती है, तो आप लोग पढ़ के अच्छा खासा नॉलेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट 1 का मेरा मॉड्यूल 1 का जो सारा जितना भी सब पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो पहला पार्ट का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पार्ट के लिए कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट मॉड्यूल पे जैसे ही जाते हैं यहाँ पे 7 आइटम्स है, मीन 7 सब पार्ट है, 7 पार्टों को आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा एक एक करके आप लोगों को। तो इसी तरह आप लोग को सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आप लोग अपने से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ,
तो दोस्तों जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे आप लोग का कुछ इस तरह का आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग क्विज में कुछ भी लाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग को पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है दोस्तों। एंड पेज को जैसे आप लोग रिफ्रेश कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट दोस्तों कहाँ मिलेगा वो मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में जैसे ही जाते हैं दोस्तों यहाँ पे एक प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आप लोग को एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का द सर्टिफिकेट इज गेटिंग डाउनलोडेड कुछ इस तरह का आप लोग का लिखा हुआ आएगा। एंड यहाँ पे आप लोग को सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। कुछ जो सर्टिफिकेट का जो लुक है वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह का आप लोग को सर्टिफिकेट एट द एंड मिलता है। तो जस्ट डाउनलोड हो जाने दीजिए सर्टिफिकेट को। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का सर्टिफिकेट मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यूआर कोड भी आप लोग को दिया गया जिसके थ्रू आप लोग स्कैन करके वेरीफाइड कर सकते हैं ये सर्टिफिकेट को। तो वेरीफाइड सर्टिफिकेट आप लोग को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आप लोग को कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोग भी कलेक्ट कर लीजिए इस सर्टिफिकेट को, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जन इस वीडियो की मदद से ये सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाए। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सर्टिफिकेट कुछ नई कोर्सेज के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।